कहीं ना कहीं जालिम वेकअप कॉल मिली है, और इससे यह भी पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया को कि इनके यंगस्टर्स वर्सेस भारतीय यंगस्टर्स में अब बहुत फर्क पड़ गया है, चाहे वो स्किल वर्क हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेंद की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, इन सब चीजों के ऊपर फील्डिंग के हिसाब से भी भारतीय यंगस्टर्स बहुत आगे निकल गए हैं। एक नया लीडर, नया यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया, और होता क्या है कि जब इस तरह के इसी एज ग्रुप के प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, सो एक तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है, और दूसरा खौफ आपके जेहन से निकल जाता है। खौफ किस किस्म का, यानी कि मुझे विराट कोहली के साथ कम्पीट नहीं करना, मुझे अब रोहित शर्मा के साथ कम्पीट नहीं करना, या मुझे बुमराह के साथ कम्पीट नहीं करना, क्योंकि आप चैलेंज करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट प्लेयर समझते हैं, बट कहीं ना कहीं खौफ ज्यादा भी होते हैं कि क्या मैं उस लेवल पे पहुंच सकूंगा या नहीं। ऐसे माहौल में इन प्लेयर्स के साथ आप बिल्कुल मुकाबला भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी कंपटीशन है, और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी बता सकते हैं कि जो हम कितने पानी में है, और ऑस्ट्रेलिया को बड़े रूट शॉक्स लगे इन दो मैचेस में, क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलिया एक तो हार नहीं मानते हैं, बड़ी मुश्किल से मानते हैं, इनके डीएनए में ये फिट कर दिया जाता है जब ये अंडर 19 अंडर 17 एज क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, कि आपकी एक रिच लेगेसी है, हिस्ट्री है, आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बनेंगे तो आप अपने मुल्क के हीरोज की तरफ देखें, आप राइट लेफ्ट की कंट्रीज को छोड़ दें। सो एक तरह से ये सेल्फ बिलीफ भी आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, और कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन कॉकीनेस भी आती है। सो इसको खासी ठेस पहुंची है इन सब इन दो डिफीट्स के बाद, क्योंकि देखें इस टीम में आपके पास स्मिथ है, आपके पास स्टॉइनिस है, आपके पास मैक्सवेल है, उनके होते हुए ये दूसरा मैच हार गए हैं। अब सारा जो प्रेशर है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, क्या ऑस्ट्रेलिया बेंच स्ट्रेंथ की तरफ जाएगा, क्या एक दो और मंझे हुए प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में डालेगा, क्योंकि जो नया लॉट आ रहे हैं जो कि कम देखे गए हैं वो तो बहुत ही फारिग हैं कई तो, और फारिग इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि भारतीय जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत आगे निकल गए हैं ऑस्ट्रेलिया यंगस्टर्स से। सो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को ये सीरीज इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मगर इस वक्त तो इस भारतीय यंग टीम ने कमाल कर दिया है, एक्सट्रीमली वेल लेड बाय सूर्य कुमार यादव।